हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और अपना चल रहा है बेटाओ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में हम मैट्रिमोनियल कर चुके हैं बेटाओ, एजुकेशनल कर चुके हैं और अपना जॉब वैकेंसी भी कर चुके हैं। अब हमारा चौथे नंबर का, जिसको फोर्थ बोलते हैं, ठीक है, चौथे नंबर का आता है अपना बेटाओ अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट। आज हम ये लेके आए हैं और आज अपनी कहानी शुरू करते हैं बेटाओ चौथा नंबर डाल के, अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट। चलिए आइए, एकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट्स। तो देखो बेटा, ये होते हैं किराए से संबंधित। ओके, अब थोड़ा सा हम जैसे एकोमोडेशन को देखते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। अकोमोडेशन का अर्थ होता है बेटा आवास। क्या होता है बेटा? आवास। और आवास बोलते हैं बेटा हम अपने लिविंग प्लेस को। किसको बोलते हैं बेटा? लिविंग प्लेस, जिसको हम रेजिडेंशियल प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पर हम रहते हैं, आवास कहते हैं, यानी कि अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, अब आवास के लिए हमें विज्ञापन निकालना है। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो विज्ञापन होते हैं ये किराए पर लेने या देने के लिए होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये रिलेटेड होते हैं किससे बेटा? सबसे पहली चीज अगर हम इसमें डालेंगे तो ये सबसे पहले जैसे हम लेंगे रिलेटेड, किससे रिलेटेड होते हैं बेटा? ऑन रेंट। किससे रिलेटेड होते हैं? किराए से, ठीक है। अब किराए पर लेना या देना, या तो किराए पर ये लेने के लिए होंगे, यानी कि टेक करने के लिए होंगे, ओके, या फिर ये किराए पर देने के लिए होंगे, टेक ऑन रेंट या गिव ऑन रेंट। तो ऐसे विज्ञापन जो किसी मकान या कमरे को, ठीक है, इसमें बेटा केवल बात आएगी या तो बेटा किसकी? रूम की। किसकी आएगी बेटा? रूम। अब रूम में बोल सकते हैं जैसे, या किसकी आएगी? हाउस। और हाउस को हम बेटा फ्लैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ही बोल सकते हैं, या इसको हम अपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अपार्टमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये कमरे को, मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट, इनको किराए पर लेने अथवा देने से संबंधित होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है किसी शहर में काम करने के लिए गया, या कोई स्टूडेंट है किसी शहर में पढ़ने के लिए गया, ठीक है बेटा, तो वहाँ पर क्या चाहिए बेटा? कमरा चाहिए उसके लिए, रूम चाहिए या मकान चाहिए, तो वो क्या निकालेगा बेटा? विज्ञापन निकालेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जिसके पास मकान वगैरह अवेलेबल होगा, क्योंकि उसका एड्रेस तो हमें लिखना ही, नीचे कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो वो उससे तुरंत ही क्या कर लेगा बेटा? संपर्क। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई बड़ा मकान है, उसके पास कोई कमरों का जो सेट है वो खाली है, अब वो इसे किस पर देना चाहता है बेटा? किराए पर देना चाहता है, तो वो अब क्या निकाल देगा बेटा? विज्ञापन। अब जो व्यक्ति जिसको कुछ चाहिएगा कमरा वगैरह, वो उसे क्या कर लेगा बेटा? संपर्क। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए ये विज्ञापन ऐसे होते हैं जो बेटा किराए पर लेने अथवा देने से संबंधित होते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से आएगी कि कोई लड़का, यानी कि कोई व्यक्ति, या तो वो उसे कमरे की क्या होगी बेटा? आवश्यकता। या कोई व्यक्ति वो अपने मकान या कमरे को किस पर दे रहा होगा बेटा? किराए पर। तो इस तरह से बेटा हमको ये सेट करना है। ध्यान रखना इस चीज़ को, प्रश्न की भाषा हमें ऐसे समझनी है कि ये रिलेटेड किससे होता है बेटा? किराए से। अब ये किराए पर लेने के लिए या किराए पर देने से संबंधित होते हैं। अब चलते हैं आगे। सबसे पहली चीज करेंगे बेटा इसमें हम क्या? टाइटल, ठीक है। अब इसका टाइटल अपन ध्यान रखेंगे बेटा, इसका टाइटल को आपको पता है बेटा कैपिटल में लिखते हैं, अकोमोडेशन वांटेड। या
2 lakhs. ओके स्टूडेंट्स, अकोमोडेशन वांटेड, अकोमोडेशन समझ के बेटा, आवास चाहिए, कब लिखेंगे बेटा, जब हम किराए पर देते हैं, यानी कि किराए पर लेने के लिए. और टू लेट का मतलब होता है बेटा किराए के लिए खाली. ठीक है, बस आपको क्या समझना है, यदि कोई मकान, यदि विज्ञापन किराए पर लेने से संबंधित हो, ठीक है, यदि विज्ञापन किराए पर लेने से संबंधित हो तो लिखेंगे बेटा अपन एकोमोडेशन वांटेड, और यदि विज्ञापन किराए पर देने से संबंधित हो तो लिखेंगे बेटा अपन क्या, टू लेट. ध्यान रखना है इस चीज को बेटा, बस यही ध्यान रखना है, किराए पर लेने के लिए टू लेट, किराए पर देने के लिए. ओके, खाली इनका अर्थ कर लिया करो, अकोमोडेशन वांटेड, आवास चाहिए, कब लिखेंगे बेटा, जब हमें किराए पर चाहिए, टू लेट किराए के लिए खाली है, कब लिखेंगे बेटा, जब हम किराए पर देंगे. तो इसका टाइटल हो जाएगा बेटा अकोमोडेशन वांटेड या फिर क्या हो जाएगा, टू लेट. अब बात करते हैं बेटा हम इसकी डिटेल्स की, तो चलिए देखो डिटेल्स लिखते हैं हम इसकी. अब करते हैं बेटा हम इसकी डिटेल्स. ठीक है, अब डिटेल्स को स्टार्ट करेंगे हम बेटा किससे, देखो वांटेड या अवेलेबल. ठीक है, अब देखो यहां पे दो वर्ड लिखे मैंने बेटा आपके लिए, वांटेड और अवेलेबल. वांटेड और अवेलेबल, या तो वांटेड लिखना है या हमको अवेलेबल करना है. ठीक है, अब इन दोनों को जैसे हम यहां पे अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा, ये कर ली हमने अंडरलाइन. अब अंडरलाइन करने का मतलब बेटा बेटा कि इन दोनों में से हमें एक शब्द से प्रारंभ करना है वाक्य को, डिटेल्स को दोनों में से एक से प्रारंभ करना है. देखो वांटेड का अर्थ क्या होता है बेटा, चाहिए. वांटेड कब लिखेंगे, जब विज्ञापन किराए पर लेने से संबंधित हो. अवेलेबल का मतलब क्या होता है बेटा, उपलब्ध है. क्या होता है बेटा, उपलब्ध. कब लिखेंगे बेटा, जब विज्ञापन किराए पर देने से संबंधित हो. जैसे विज्ञापन किराए पर देने से संबंधित हो तो अवेलेबल, किराए पर लेने से संबंधित हो तो वांटेड. यानी वांटेड और अवेलेबल, इन दोनों में से बेटा हमको एक वर्ड से प्रारंभ करना है डिटेल्स को. अब आगे चलते हैं. ए टू रूम सेट. ठीक है ना, वांटेड आ टू रूम सेट. जैसे हमको किराए पर चाहिए बेटा, अपन को किस पे चाहिए बेटा, किराए पर. किराए पर कोई कमरा चाहिए तो अपन क्या सेट करेंगे बेटा, वांटेड आ टू रूम सेट. वांटेड आ टू रूम सेट. अगर किराए पर देना है प्रिय स्टूडेंट्स तो अपन क्या लिखेंगे, अवेलेबल आ टू रूम सेट. ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे आप ये कहोगे सर टू रूम कर सके, देखो अगर तीन कमरों का सेट चाहिए तो थ्री रूम सेट कर दिया. कोई स्टूडेंट है जिसको केवल एक ही कमरा चाहिए तो ए वन रूम सेट. ओके, आपको इस तरह से सेट करना है, जैसे वांटेड ए टू रूम सेट या अवेलेबल ए टू रूम सेट. आगे हमको ऐड करना है बेटा फोर आ स्टूडेंट ओनली, फोर आ स्टूडेंट ओनली, या ऑब्लिक में बेटा फोर आ वेजिटेरियन फैमिली ओनली. अब देखो इनको मैं यहां से ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं बेटा,
और इन दोनों अंडरलाइंड जो अंडरलाइंड जो हमारे फ्रेज हैं, दोनों अंडरलाइंड फ्रेज के बीच में अपन ने क्या लगा, देखिए बेटा अब यहाँ पर जैसे वांटेड अवेलेबल टू रूम सेट फॉर स्टूडेंट ओनली या फॉर वेजिटेरियन फैमिली ओनली। अब ये जो है बेटा अटैच विद या सेपरेट, ओके आप ये तो जानेंगे स्टूडेंट ओनली और फैमिली ओनली किस तरह से करना है। अब अटैच विद लेट बाथ एंड किचन, ठीक है। अब जब हम मकान किराए पर ले रहे हैं बेटाओ या दे रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए बेटाओ, ठीक है। अब उस कमरे के साथ अटैच विद या तो लेट बाथ किचन कैसी करनी है हमको अटैच, या लेट बाद किचन कैसी करनी है हमको सेपरेट। ध्यान रखो जिन वर्ड्स को बेटा मैं अंडरलाइंड कर रहा हूँ, जिनके बीच में ऑब्लिक लगा रहा हूँ, उनमें से आपको सिर्फ एक ही करना है, या तो अटैच्ड विद या आपको क्या करना है बेटा सेपरेट। ओके स्टूडेंट्स आगे हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं बेटा, जैसे वेल फर्निश्ड, ठीक है। हमको कमरा चाहिए कैसा चाहिए बेटा, वेल फर्निश्ड चाहिए, या हम जो कमरों का सेट किराए पर दे रहे हैं वो कैसा है बेटा, वेल फर्निश्ड है। वेल फर्निश्ड का मतलब होता है बेटा अच्छी तरह से सुसज्जित। वेल फर्निश्ड में आते जैसे वाइट वॉशिंग, कमरे की पुताई हो रही है, विंडोज जो खिड़कियां वगैरह हैं, ठीक है, गेट्स हैं, ये सारी जो सुविधाएं होती हैं बेटा, पर्दे वर्दे कर्टेंस वगैरह, ये सब कुछ वेल फर्निश्ड में आते हैं। ऐसा नहीं कि हम मकान किराए पर दे रहे हैं गेट ही नहीं साहब, ठीक है, दरवाजे पर गेट ही नहीं है, तो इसलिए हमको ये शब्द वेल फर्निश्ड जरूर लिखना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स अब यहां पर हम क्या लिखे बेटा, नियर प्लस किसी प्रसिद्ध स्थान का नाम। अब देखिए बेटा ये किसी प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या चीज है, ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने कोई भी एक कमरा दी, ऊपर से देखते हैं, जैसे कि हम कोई कमरा किराए पर लेना चाहते हैं, वांटेड अ टू रूम सेट, और हम क्या है बेटा स्टूडेंट्स, फॉर अ स्टूडेंट्स ओनली, यानी वांटेड अ टू रूम सेट फॉर अ स्टूडेंट्स ओनली, तो ये आएगा ही नहीं फॉर ए रजिस्ट्रेशन। अब हम जब स्टूडेंट हैं तो अटैच्ड विद लेट बाथ एंड किचन, ठीक है, फिर वेल फर्निश्ड, अब नियर, ठीक है, क्योंकि बेटा शहर ना बहुत बड़ा होता है, ये मत सोचना कि हम छोटे से होम टाउन में रह रहे हैं तो साहब कोई दिक्कत नहीं, सिटी क्या है बहुत बड़ी होती है बेटा। अब सिटी में क्या है कि हम जैसे कोई विशेष कोई फेमस जगह का नाम लिखेंगे, जैसे नियर राम मंदिर, नियर बिरला मंदिर, नियर कोई हॉस्पिटल का नाम लिख दिया, ठीक है, जैसे नियर सिटी हॉस्पिटल, ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्म है, नियर जैसे वाटर टैंक पानी की टंकी के पास, ठीक है, नियर कोई सर्किल का नाम लिख दिया, नियर हनुमान सर्किल, नियर नेहरू सर्किल, तो इस तरह से किस चीज़ के नज़दीक हमको कमरा चाहिए तो वो नज़दीक वाला ही आपसे संपर्क कर लेगा। जैसे कि हमको हनुमान सर्किल के नज़दीक कोई कमरा चाहिए, आपने ऐड निकाल लिया, तो उस ऐड को वो ही लाइक करेगा जो कोई हनुमान सर्किल पर कोई कमरा किराए पर दे रहा है। ऐसे तो नहीं आपके पास बहुत सारे फ़ोन आएंगे पूरी सिटी में से, आप एक सर नहीं उस जगह नहीं चाहिए, इसलिए हमको ये जगह बेटा लिखनी जरूर पड़ती है। अगर जो कोई कमरा किराए पर दे रहा है, जैसे मैंने अपना कमरा किराए पर दे दिया और मेरी कॉलोनी है साहब जैसे कि नेहरू नगर, अब नेहरू नगर जयपुर बहुत बड़ा है बेटा, मेरी कॉलोनी जैसे महेश नगर जयपुर, तो महेश नगर बहुत बड़ा है, और मैंने अपना कमरा जैसे अवेलेबल ए टू रूम सेट फॉर ए वेजिटेरियन फैमिली ओनली अटैच्ड विद लेट बाथ एंड किचन वेल फर्निश्ड, और अब नीचे लिख दिया एड्रेस बेटा जयपुर का महेश नगर। अब हम महेश नगर में कहाँ ढूंढते फिरेंगे बेटा, अगर हमने महेश नगर की कोई प्रसिद्ध जगह लिख दी, ठीक है, जैसे श्री राम होटल, इन फ्रंट ऑफ कर दो, बिहाइंड कर दो, नियर कर दो, ठीक है, आप ये प्रपोजिशन अपने मन से लगा सकते हैं कि किस चीज के पास है या के पीछे है या आमने है या सामने है, तो यानी कि किसी प्रसिद्ध जगह का हम यहाँ पे बेटा क्या लिख के चलेंगे, नाम, जैसे हमने किसी विद्यालय का नाम लिख दिया वहाँ पे, कोई जैसे महेश नगर में कोई फेमस स्कूल है सेंट एनसेल्म्स, नियर सेंट एनसेल्म्स स्कूल जयपुर,
तो बेटा जब हम महेश नगर में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो हम सीधा हमको एड्रेस मिल जाएगा, किसी से भी हम पूछ सकते हैं। अगर हम कोई ऑटो वगैरह भी किराए पर लेते हैं तो वहाँ पर सीधा डाल देंगे बेटा हम कहाँ पहुँचा दें हमको, एनसेंट सेंट एनसेल्म स्कूल पे, वहाँ हम आसपास ट्राई कर सकते हैं। और आजकल तो तुम्हें पता बेटा कि गूगल की इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, अगर हमारे पास बाइक भी है या खुद की कोई गाड़ी भी है और हम जा रहे हैं तो गूगल लगाओ, गूगल पे सेंट एनसेल्म स्कूल डालो और अपना अपने आप ही आप उस जगह आप पहुँच जाओगे। फिर हमको क्या एड्रेस ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी स्टूडेंट्स, इसलिए हमको यहाँ पे नियर प्लस प्लस किसी भी प्रसिद्ध स्थान का नाम। अब ये प्रसिद्ध स्थान का नाम बेटा आपके लिए कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं बेटा आगे। अब और तो कुछ अपन को करना नहीं, अब हमको केवल क्या करना है बेटा, रेंट अमाउंट क्या करना है बेटा, रेंट। ठीक है, अब बात केवल किराए की तो रहेगी, और कुछ थोड़ी चाहिए हमको। अब क्या क्या बेटा, रेंट। अब रेंट में हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ वो ही कल की तरह पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, नेगोशिएबल। ठीक है, देखो जो भी एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं अखबार में निकलते हैं बेटा तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या है कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं अट्रैक्ट। अगर आपने नेगोशिएबल लिखा है, आप अपने कमरे को किराए पर देना चाहते हैं, नेगोशिएबल लिखा है तो आपके पास चांस रहता है कि आपके पास कोई फ़ोन वगैरह आ जाए या कोई व्यक्ति कॉन्टैक्ट करने के लिए आ जाए। आपने रेंट लिख दिया 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, तो हो सकता है अगले वाले को पसंद ही नहीं आए, वो आपके पास कॉल ही नहीं करेगा। नेगोशिएबल का अर्थ ये है बेटा आमने सामने बैठकर समझौते के अनुसार, समझौते के अकॉर्डिंग, संधि वार्ता के योग्य। ठीक है, यानी कि हम बातचीत करके किराए का फैसला कर लेते हैं। हो सकता है ये 10,000 मांग रहा है, आप 9,000 दे रहे हैं तो बात आपकी बन जाए। तो इसलिए हम रेंट कैसे लिख के चलते हैं बेटा, नेगोशिएबल है और इसमें कोई फिक्स भी नहीं है। अगर आप रेंट लिखना चाहें जिससे कि आप ऐसे करना चाहें कि सर रेंट अबाउट, अबाउट करके डाल देना, रेंट अबाउट, और यहां पर डाला जैसे हम आर एस 10,000 ए मंथ, इस तरह से बेटा अपन सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पैसे कर लो, चाहे नेगोशिएबल लिख दो, नेगोशिएबल से भी आपका काम चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम आराम से अपने ये बना सकते हैं। और कोई चीज इसमें फालतू फंड की हमको लिखनी नहीं है बेटा, और कोई चीज ऐसी इसमें ऐड करनी नहीं है। फिर यहां पर नीचे हम आराम से लिख सकते हैं बेटा, यू मे कॉन्टैक्ट टू मी टू द बिलो एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे फिर हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर। अभी कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर जो हम लिखते हैं, कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर, ये कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर बेटा यथावत है जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर। कॉन्टैक्ट में आप अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट में हमको क्या लिखना है बेटा, नेम एंड एड्रेस। ठीक, और नीचे फिर क्या लिखेंगे बेटा, हम मोबाइल नंबर इस तरह से हमको सेट करना है। एक नजर निहार लो बेटा अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा देखो, अब हम यहां पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। यू आर श्रेया जैन एंड
यू हैव अ बिग फ्लैट इन जयपुर. यू वॉन्ट टू गिव अ टू रूम सेट ऑन रेंट. For a vegetarian family. Write a classified advertisement. ओके स्टूडेंट्स, देखिए यू आर श्रेया जैन, तुम श्रेया जैन हो एंड यू हैव ए बिग फ्लैट इन जयपुर और जयपुर में तुम्हारा एक बहुत बड़ा फ्लैट है. फ्लैट कहते हैं मकान का. यू वांट टू गिव, तुम देना चाहती हो इट ए टू रूम सेट. टू रह गया बेटा यहाँ पे, ए टू रूम सेट ऑन रेंट, यानी कि तुम एक दो कमरे का सेट किराए पर देना चाहती हो. फॉर अ वेजिटेरियन फैमिली, एक शाकाहारी परिवार के लिए. राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए. टू बी पब्लिश इन द न्यूज पेपर, ठीक है, वो आगे कर सकते हैं. अब यहाँ पे जब बेटा हम इस विज्ञापन को देखेंगे अच्छे से, तो ये हमको एडवर्टीजमेंट दिख रहा है. देखो ये ना तो मैट्रिमोनियल है, आप देख लो ढंग से अच्छी तरह से, ना ही ये बेटा एजुकेशनल है, कोई शिक्षा से संबंधित नहीं है, ना ही ये कोई जॉब वैकेंसी है. ये विज्ञापन किससे संबंधित है बेटा, किराए पर देने से. और किराए पर लेने देने से संबंधित जो विज्ञापन होता है बेटा, वो अपना होता है कैसा, अकोमोडेशन. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना चीज को. जब हम इसके आंसर लिखेंगे बेटा, तो आंसर के सामने हम डालेंगे एन अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट. ओके स्टूडेंट्स, एन अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट. ओके, चलिए अब नीचे हम यहां पे लिखेंगे बेटा, हम पहले लिखेंगे टाइटल. अब आप इसका टाइटल निकालने की कोशिश करो मेरे बच्चों. तो इसका टाइटल निकल के क्या आना चाहिए बेटा, किराए पर लेने के लिए है या किराए पर देने के लिए. तो हम इसे देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, तो ये विज्ञापन किराए पर देने के लिए है. श्रेया जैन अपने दो कमरों का सेट किराए पर दे रही है. तो यहां पे क्या लिखें बेटा हम, टू लेट, ठीक है, इसको आप टू लेट नहीं टू लेट, टू लेट इस तरह से बोलते हैं. आई मत लगा देना बीच में, नहीं चक्कर पड़ जाएगा, टॉयलेट हो जाएगा, ठीक है, टू लेट, किराए के लिए खाली है. अब हम बेटा चलिए आगे. ठीक है, अब किराए के लिए खाली है, तो हम अपना नियम देखेंगे बेटा, या तो वांटेड लगाएं या अवेलेबल लगाएं. तो यहां पे अपने सेट किए प्रिय स्टूडेंट्स, अवेलेबल ए टू रूम सेट. टू रूम्स कर दो, रूम पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं ग्रामेटिकल की. अवेलेबल ए टू रूम सेट फॉर अ वेजिटेरियन फैमिली ओनली. ठीक है बेटा, इतना कर दिया. फिर हम करेंगे बेटा सेपरेट, क्या करेंगे, लेट बाथ एंड किचन, ये कैसे बेटा सेपरेट है. फिर आगे हम लिख सकते हैं बेटा वेल फर्निस्ड, वेल फर्निस्ड. ओके स्टूडेंट, इसको फर्निश्ड मत बोला करो, फर्निश्ड नहीं है, फर्निस्ड. ठीक है, यहां पे जो ईडी है ना, ये टे का उच्चारण देता है, ना कि बेटा डे का.
ध्यान रख लेना इस चीज को, या ईडी जो है ये टे का उच्चारण देता है ना कि डे का। देखो जैसे कि हम एक वर्ड लिखते हैं बेटा यहाँ पे, हाँ यहाँ मिटा दूंगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक वर्ड लिखे बेटा पास, क्या लिखा वर्ड में पास, और पास में ईडी लगाया है, क्या लगाया बेटा ईडी, तो हम इसको क्या बोलते हैं पास्ड, ये पास्ड नहीं पास्ट, क्या बोलता है बेटा टे पास्ट। जैसे हम यहाँ कह बेटा चेक, चेक में ईडी लगाया, हम क्या बोलते हैं चेक्ड, चेक नहीं बेटा चेक्ड, क्या बोलता है चेक्ड बोलता है, यानी ईडी जो होता है वो टे का उच्चारण देता है और ईडी डी जो होता है वो डे का उच्चारण भी देता है प्रिय स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे हमने किया किस्ट, इसको किस्ड नहीं कहते किस्ट, क्या बोलते हैं डॉ किस्ट। आपको ध्यान रखना है आप जो ईडी लगा रहे हैं उससे पहले कोई व्यंजन है, दो व्यंजन होने चाहिए, कितने बेटा दो, और वो दोनों व्यंजनों का उच्चारण एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ डबल एस, दो व्यंजन है लेकिन उच्चारण दे रहे सिर्फ किसका से का, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा पास्ट। जैसे सी के, दो व्यंजन है कॉन्सोनेंट लेकिन उच्चारण दे रहे केवल एक ही व्यंजन का के का, फिर इसे बोलेंगे चेक्ड। इसी तरह किस, इसी तरह से क्या बेटा फर्निश्ड, तो यहाँ पे एस एच जो है दो है व्यंजन लेकिन एक का ही उच्चारण दे रहे किसका से का, इसलिए ईडी का उच्चारण क्या हो जाएगा प्रिय स्टूडेंट टे फर्निश्ड। इस तरह से अगर जैसे एक ही स्वर है, जैसे हम यहाँ पे लिखे क्लीन और क्लीन में लगाया ईडी, तो व्यंजन कितना बेटा केवल एक, ये क्या बोलेगा क्लीन्ड, ये डे बोलेगा, क्या बोलेगा क्लीन्ड। इस तरह से ये नियम चलता है, तो इसको वेल फर्निश्ड नहीं वेल फर्निश्ड। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और वेल फर्निश्ड के साथ हम लिखेंगे जैसे नियर, और नियर हमने लिख दिया जैसे नियर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और नियर पंजाब नेशनल बैंक। अब यहां पे आपको महेश नगर जयपुर ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो चीज कहां जाएगी बेटा नीचे, नियर पंजाब नेशनल बैंक, जब नीचे एड्रेस में लिखोगे वहां पे सेट हो जाएगा नियर पंजाब नेशनल बैंक। और यहां करेंगे बेटा अपन रेंट, क्या करेंगे रेंट, और रेंट में केवल क्या करेंगे अपन बेटा नेगोशिएबल, बस इतना आपको सेट करना है। इतना सेट करने के बाद में अब यहां पे हम लिख सकते हैं यू मे कॉन्टैक्ट टू मी टू द बिलो एड्रेस, ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे बेटा अपन कॉन्टैक्ट, क्या लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ओके okay, चलो कॉन्टैक्ट दिख नहीं रहा है आपके लिए, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, ठीक बेटा। अब ऊपर हमने यहां पे डाला बेटा कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में जैसे हम नाम तुमको दिया हुआ इधर बेटा मिसेस श्रेया जैन, मिसेस श्रेया जैन, और 105 महेश नगर और जयपुर, ओके, और नीचे यहां क्या लिख देंगे बेटा अपन मोबाइल नंबर, ठीक है, और इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे बेटा बंद कर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमको करना है बेटा एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, ज्यादा चीज आपको याद रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ओके स्टूडेंट्स देख लो अच्छे से। चलिए तो आई होप यू गॉट इट, हम उम्मीद करते बेटा कि ये आपको भली बातें बहुत अच्छे से आपके समझ में बैठ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ओनली वन वो कल के लिए आपके लिए, जिसका केवल टाइटल छोड़ना है आपको कमेंट बॉक्स में, और आपको वो घर पर बना करके देखना है बेटा, उसमें देखना क्या क्या गलती आपकी आती है क्या क्या नहीं आती है, इसलिए रफ कॉपी में आप बना करके बेटा जरूर देखा करो, बिल्कुल श्योर। लंबा ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, चार तो हो गए बेटा, दो तीन दिन में और ये अपना टॉपिक खत्म आगे से हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं. यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th साइंस. ठीक है, अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है तो आर्ट्स कर लेना. ठीक है, यू आर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th साइंस या यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर्ट्स. ठीक है, जो साइंस का बच्चा है वो साइंस लिख लेना, आर्ट्स का है जो आर्ट्स लिख लेना. एंड यू आर स्टडिंग इन सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर. You need a one room set for studying. तुमको अध्ययन के लिए एक कमरे के सेट की आवश्यकता है. शो ड्राफ्ट ए क्लासी फाइट एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा. मैं इसको आपके लिए बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा क्योंकि पेपर में मैं नहीं आऊंगा बेटा समझाने के लिए. कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो वो आपको खुद को समझना है कि क्या कह रहा है, कौन सा है, कैसा है, इसका क्या अपन टाइटल करें और इसका क्या हम बेटा क्या इसका हम टाइटल करें और क्या हम इसकी डिटेल्स को कैसे किस प्रकार से सेट करें. ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से देख लो, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है और ध्यान रखा करो बेटा. कुछ ही बच्चे जो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट अच्छे जो बच्चे हैं वो मेरे लिए कमेंट भेजते हैं, लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं सिर्फ ऐसा हुआ ना तो कोई वीडियो को लाइक करते हैं, केवल देखने से मतलब है, हाँ साहब देख लिया, गुरु जी आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं ठीक ठाक, पता नहीं दो मिनट के लिए चलाते हैं, एक मिनट के लिए चलाते हैं. कभी भी कोई भी बच्चा पूरी वीडियो को नहीं देखता है. ठीक है, जो बच्चा पूरी वीडियो को देखता है इसका मतलब उसका कमेंट आ रहा है. जिन बच्चों के कमेंट आते हैं, ठीक है बेटा, टीचर के अंदर भी माइंड होता है, ऐसी बात नहीं है. हम जानते हैं अच्छे से कि जो बच्चा पूरी वीडियो को देखता है, पूरी क्लास को देखता है, वो ही बच्चा कमेंट करता है, वो ही बच्चा वीडियो को लाइक करता है. और जो बच्चा कोई स्टूडेंट्स कोई भी जो वीडियो को नहीं देखता, खाली देख लिया, हाँ टीचर की शक्ल देख ली, हाँ भाई हाजिरी देनी है हमको कि अटेंडेंस की वीडियो हमने देख लिया, वो उसका कमेंट करने का काम नहीं होता है. मैंने तुमसे खूब कह दिया, टीचर को खुश करने की आवश्यकता नहीं है. मैं आपसे बिल्कुल 1% भी ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो में आप सुपर क्लास लिखो, नाइस क्लास लिखो, सुपर लेक्चर लिखो, कोई आवश्यकता नहीं बेटा. ठीक है, लिखिए, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए आप इस चीज़ को. ठीक है, कमेंट कुछ भी हो लेकिन जरूर कमेंट करना चाहिए हमें. कोई जरूरी नहीं कि हम टीचर की प्रशंसा करो. अगर क्लास बुरी लग रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको लिखो, कोई आवश्यकता नहीं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये देख लो बेटा, अच्छे से आप नोट डाउन इसको कर लो. ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लास हम बेटा यही पे स्थगित करते हैं और मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपके समझ में ये अकोमोडेशन अरेंजमेंट आपके दिमाग में बैठा होगा. ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं बेटा. आप अपने घर पे रहो, स्टे होम एंड स्टे फ्री एंड डू हार्ड वर्क. चलो.